नशे के ओवरडोज के कारण युवकों की मृत्यु का क्रम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खबर नाभा से है, यहाँ जितेंद्र सिंह गोलू नाम के नौजवान की हालत काफी खराब हो गई, जिसको राहगीरों ने सिविल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे पटियाला राजेंद्र अस्पताल में रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक नौजवान जितेंद्र को दो बार इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र भर्ती करवाया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे थाना सदर इंचार्ज गुरप्रताप सिंह ने कहा कि नौजवान की खराब हालत के कारण उसे अस्पताल लाया गया है, लेकिन नशे को लेकर डॉक्टर्स ही रिपोर्ट देंगे, लेकिन नाभा में नशा नहीं बिकता। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार नशा खत्म करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, रोजाना ही नौजवान नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। नशा बिक रहा है जी, कोई प्रशासन इन्हों कोई ठल नहीं पाता है, कोई कुछ थोड़े सामने ही है। ठीक है मैडम ने देखा, चलो इन्हें सारा कुछ कराया, उदू बाद पुलिस आई है, पुलिस वाले कहने कहते भी इतने कोई नशा नहीं बिक रहा, सामने एग्जाम्पल जा रही है, सामने आई आप हाँ कराया होगा नशा करे हुए बहं वो सुजियां पी जानी जी। ठीक है, बहुत बच्चा बच्चा तक बेच रहे इतने नाभे जी, पुलिस तो कह रही नशा बिक नहीं रहा जी, इन्हों पता होगा जी, पुछ लो इन्हों, ये क्यों कह रहे हैं भी नहीं बिकता जिथे साधु सिंह ने पार्क बनाया उथे डिगया पै जी, मुंडा दुध वाली फैक्ट्री च लग्या होया, उथे काफी इकट्ठ होया जी, असीं आके देखा तां इहदे बेचारे पैर जो अलौरा कला तो है ओदे नाल उहदा कोई फ्रेंड लेके आया सी, ते नाल बाईस्टैंडर जिन्हां ने उहनां नूं अनकॉन्शियस स्टेट च देखिया उह नाल लेके आए सी। एडिक्शन की हिस्ट्री है, क्वेरी है कि मे बी ड्रग ओवरडोज का केस हो सकता, तो असी फर्स्ट एड की पूरी ट्रीटमेंट की, मेरे नाल स्पैशलिस्ट भी सी उन्होंने देखा वो स्टेबल नहीं सी, इसलिए फिर असीं इसनूं रैफर किया फरदर इन्वेस्टिगेशन लई। हाँ जी, उहदे नाल दे रिलेटिव्स हिस्ट्री दे रहे हैं कि उहदी पहला मैनूं भी आदत सी, अज मॉर्निंग भी इसने ड्रग्स वगैरह लई सी, वो स्टेबल नहीं सी, इसलिए फिर सानूं फरदर रैफर करना पिया इन्वेस्टिगेशन लई ते मैनेजमेंट लई। नहीं, इस बारे मैंने कोई आइडिया नहीं, इस बारे कोई नॉलेज नहीं है। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।